शहर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शनिवार को पौधारोपण किया गया। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने फलदार पौधे लगाए। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा एवं सानिध्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्र छात्रावास के सामने स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग के अध्येताओं द्वारा 3 वर्ष का MD अध्ययन पूर्ण करने के अंतिम दिन कुलपति प्रोफेसर प्रजापति एवं प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र शर्मा के साथ पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात किए जाने वाले वृक्षदान एवं वृक्षारोपण जैसा कार्य महान है। सभी छात्रों को हरित विश्वविद्यालय हरित राजस्थान बनाने के लिए अपने अध्ययन काल में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, यह अच्छी पहल साबित होगी। वहीं स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग के विभागाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि MD अंतिम वर्ष का अध्ययन पूर्ण करने वाले छात्रों डॉक्टर रीचा शर्मा, डॉक्टर नेहा सजवाणा, डॉक्टर योगेश्वरी राणावत, डॉक्टर निशा जाखड़, डॉक्टर रोहन वर्मा, डॉक्टर शिप्रा गिरधर, डॉक्टर विनोद मीणा द्वारा आम के लगभग 6-6 फीट के साथ फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर PGIA के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र शर्मा, द्रव्यगुण विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज अदलखा, डॉक्टर निकिता, डॉक्टर पूजा पारिक तथा क्रियाशारीर विभाग के समस्त स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। छात्रों को हम बधाई देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि उनके द्वारा ये लगाए गए जो वृक्ष हैं ये उन्हीं की तरह फलेंगे फूलेंगे। आने वाले जनरेशन्स के लिए इसमें फलदार चूंकि वृक्ष है तो ये आम खाने के काम भी आएंगे सभी के, ऐसी अपेक्षा करते हैं। इस संस्थान में, इस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में इस तरह का एक कंसेप्ट इन्होंने जनरेट किया है तो इसके लिए भी हम इस विभाग के और विभाग के सभी लोगों को बधाई देते हैं कि उन्होंने इसमें आगे बढ़ के। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, मीडिया प्रभारी आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष क्रियाशारी विभाग की ओर से आज हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति सर के सानिध्य में ये वृक्षदान महादान जैसा कार्य किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे जो MD स्नातकोत्तर अध्येता हैं, जिनकी 3 वर्ष का जो अध्ययन काल था वो कम्प्लीट हो गया है और उसके बाद वो एक यादगार यहाँ छोड़ करके जाना चाहते हैं वृक्षारोपण के द्वारा। तो आज उन्होंने जो फलदार वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, वो लगाए हैं, खुद ही इन्होंने नर्सरी से जाकर के लाए हैं और लाने के बाद ये आज वृक्षारोपण हमारे माननीय कुलपति महोदय के सानिध्य में इन्होंने किया है।